रहीम हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सरबली खान साहिब, आपका नाम मोहम्मद सरबली खान साहिब था। आपकी तारीख पैदाइश 1955 में, आप जंगीदार सवाबी शेख उत्पत्तन हुआ पाकिस्तान के। आपके हवाले से ये खबरें आ रही थी कि उनकी नमाज जनाजा जोर के बाद 2 बजे जामिया हनफिया अक्सर उलूम में अदा की जाएगी, जबकि अब मदरसा अक्सर उलूम की तरफ से इस ऐलान में तस्दीक की गई है और उन्होंने ये ऐलान किया है कि नमाज जनाजा 2 बजे नहीं बल्कि मुफ्ती सरबली खान साहब की नमाज जनाजा 11 बजे ईदगाह ग्राउंड तहसील जामिया हनफिया अक्सर उलूम गुलशन इकबाल कराची अदा की जाएगी। इसलिए उन्हें अपने बेटे का नाम भी उन्हीं और आपकी तकदीम अक्सन आबाद में जामिया अक्सन उलूम की शाख के इहाता में लाई जाएगी। दोस्तों, नमाज जनाजा में शरीक होने वाले तमाम हजरात से गुजारिश है कि मास्क पहनकर तशरीफ लाए। दोस्तों, जितने भी कराची के में जितने भी लोग रहते हैं, उन सबसे यही अपील है कि हजरत के जनाजा में शिरकत जरूर करें। जामिया बिला मुआवजा तमाम इस्लामी उलूम बशमूल तफसीर, हदीस, फिक्का, मंतक, अरबी, अदब की तालीम फराहम करता है। इस्लामी उलूम के अलावा हिफ्ज कुरान वगैरह की क्लासेस और दीगर फारसी और इस्लामी किताबें भी पढ़ाई जाती थीं। जामिया में दर्जे तखसस PhD का मखसूस तौर पर इंतज़ाम है। जामिया से आपने 1988 से बकायदा तौर पर हदीस शरीफ का दौरा शुरू किया। सालाना छुट्टियों में शानदार दौरे तफसीर का एहतमाम होता था, जिसमें हर शोबे ज़िंदगी से वाबस्ता अफराद ख़वातीन पर्दे के साथ बाकायदगी से शरीक होती थीं। मुफ्ती ज़रवली खान साहब मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह से भी काफ़ी मुतासर थे और अपने दर्स व तदरीस में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इंतहाई अफसोसनाक खबर के साथ हाजिर हुआ हूँ। पाकिस्तान अक्सन उलूम कराची के वली कामल शेख तफसीर वल हदीस और जामे अक्सन उलूम के मुहतमिम हजरत मौलाना मुफ्ती ज़रवली खान साहब आज इंतकाल कर गए हैं। वो इंडस अस्पताल कराची में दाखिल थे। आप इंतहाई नडर और बहादुर शख्सियत के हामिल थे। आपने हमेशा हक की आवाज़ को बुलंद किया और शेखुल हदीस व तफसीर मुफ्ती सरवली खान साहेब